गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल आरआर रीजनिंग क्लासेस। मैं आज लेके आया हूँ आर्डर एंड रैंकिंग की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक क्वेश्चंस बता दिए थे, फार्मूले वगैरह भी बताए थे। एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हम आज लेके आए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोर्ड पर दिया गया है कि 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि दिया गया कि 72 छात्रों को, हमने एक फार्मूला बताया था कि टोटल स्टूडेंट इक्वल टू, अब देखिए चाहे लेफ्ट हो राइट हो चाहे अप और डाउन हो जाए, फार्मूला हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या जैसे दिया गया, हमने फार्मूला बताया टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक, अभी जैसे दिया गया होता अप और डाउन, तो यहाँ पर अप ये डाउन हो जाता, ऐसे मान सकते थे। ओके, तो देखिए इसी फार्मूले पे बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बताया फार्मूला टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, 72 छात्रों का समूह, तो टोटल कितने हैं 72 स्टूडेंट्स हैं। फिर क्या है, नीचे से 42 है, तो नीचे से 42 हो गया। ठीक है, अब ऊपर से हमको पोजिशन फाइंड करनी, तो ऊपर अप मान लिया हमने माइनस का वन। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 41 हो जाएगा ना 72। ठीक है, तो अब हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 हो जाएगा और 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 31 ये हो जाएगी पोजीशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 72 छात्रों में आकाश का पोजीशन, ऊपर से पोजीशन क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि धीरज का एक पंक्ति में दोनों सिरों से 5वां स्थान, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए दोनों सिरों से 5वां स्थान, मतलब आगे से भी 5 है पीछे से भी 5 है। ठीक है, आगे से भी 5 है पीछे से भी 5 है, तो इसमें से हमको कुल कितने छात्र बताने हैं, कुल टोटल मतलब स्टूडेंट्स हमको बताने हैं। तो वही टोटल इक्वल टू आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, सब वही हमारा फार्मूला, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 5 दोनों दिए गए। फिर अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पिछली क्लास में हमने बताया था 1 हम क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने बता दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 और 5 दोनों ये ऐड हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे, 10 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा 9। तो धीरज की मतलब ये पंक्ति में टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, पंक्ति में टोटल 9 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, 1 हमने ये इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है कि धीरज जो है 2 बार काउंट किया गया है ना, आगे से भी काउंट कर लिया गया और पीछे से भी काउंट किया गया। ठीक है, इसीलिए हमने 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि उत्तर की ओर मुंह किए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सोमन के बाएं छठा है। ठीक है, कैलाश जो है सोमन के बाएं छठा है, यह सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तो कैलाश दाईं ओर से किस स्थान पे है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, उत्तर की ओर मुंह किए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश, तो टोटल कितने हैं स्टूडेंट, टोटल 40 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब उसमें से क्या है, 40 छात्रों के समूह में कैलाश जो है कहीं भी किसी भी पोजीशन पे कैलाश बैठा है। ठीक है, कैलाश सोमन के बाएं छठा है, कैलाश जो है सोमन के बाएं छठा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे सोमन हो गया। ठीक है, तो ये जो है छठा है, मतलब बीच में 5 ही तो होंगे, कैलाश और सोमन के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। ओके, अब देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे क्या दिया गया कि यदि सोमन, सॉरी फिर से देखिए जैसा कि दिया गया है कि उत्तर की ओर मुंह किए 40 छात्र हैं, यहाँ पे टोटल 40 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें बता रहा है कि एक समूह जो है उसमें 40 स्टूडेंट बैठे हैं, कैलाश सोमन के बाएं छठा है, कैलाश हो गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं सोमन बैठा है। अब देखिए बाएं ये हमारा लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ठीक है, तो अब देखिए जब छठा बोल रहा है तो कैलाश और सोमन के बीच में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है,
फिर क्या बोल रहा है, यदि सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पे है, यदि सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पे है, 30 पोजीशन है इसकी, ठीक है, 30 पोजीशन दी गई। तो अब देखिए ये लेफ्ट से और सोमन के बाएं, मतलब सोमन के बाएं टोटल कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, 29 ही तो बैठे होंगे, क्योंकि सोमन को काउंट करके टोटल स्टूडेंट्स हो गए 30। तो सोमन के बाद टोटल स्टूडेंट कितने बचेंगे, लेफ्ट स्टूडेंट 29 बचेंगे, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, तो कैलाश का दाईं ओर से क्या स्थान है। अब देखिए जब 29 यहाँ पे 30 हो गए, ओके, टोटल जब ये 30 पोजीशन पे बैठा है तो सोमन के दाएं कितने बचेंगे, सोमन के दाएं 10 बचेंगे, ठीक है, ये 10 स्टूडेंट बचेंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो कैलाश दाईं छोर से किस स्थान पे, तो कैलाश जो है दाईं छोर से किस स्थान पे है। तो अब देखें कैलाश दाईं छोर से जब ये 6 पोजीशन पे है तो यहाँ पे ये 10 हो जाएंगे ऐड फिर, ठीक है, और यहाँ पे ये 6 और ये पोजीशन कैलाश की हमको पता करनी, तो यहाँ पे 6 प्लस का 1 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, टोटल 17 स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी पोजीशन हो गई और जब हम काउंट करते हैं तो 1 उसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है, ये 17 पोजीशन हो जाएगी, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं ओर से 12वां है, सुधीर जो दाएं ओर से 22वां है, तो रितेश के दाएं 4th है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये हमको बताना है। तो देखें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप SBI 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 22वां है, जहाँ पे मान लिया रितेश है, ठीक है, ये जो है 22वां है। फिर क्या, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, ओ सॉरी 22 नहीं 12 है, ये रितेश, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, अब देखिए सुधीर जो दाएं छोर से 22वां, ये मान लिया सुधीर है, ये 22 पोजीशन पे है, और रितेश से दाएं 4th है, मतलब रितेश दाएं छोर से 12वां है और सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, ये जो सुधीर है ये रितेश के दाएं 4th है, तो रितेश के दाएं 4th मतलब बीच में कितने हो जाएंगे, बीच में 3 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तभी तो 4th होगा ये, तो 3 ये हो जाएंगे। फिर क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमको बताना क्या है, पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए 22 तो इधर बचा ही है ना, तो ये हमारे 22 हो गए, इसको हम 22 काउंट कर लेंगे, और यहाँ पे अगर ये 3 ऐड करने हो तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, 22 प्लस 3 हो जाएंगे, और जो रितेश हमारा 22 बैठा है ना, लेफ्ट से 22 है, तो ये भी हमको काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल हम अब इसको हम काउंट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 22 प्लस 3 25 हो जाएगा, और 12 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 37 हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे पंक्ति में, 37 हो जाएंगे, और ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पे है, ए जो है ये बाएं से 9वें स्थान पे है, ये ए हो गया, अगर वह अपने स्थान से 4 स्थान दाएं चला जाए, अपने स्थान से 4 स्थान दाएं मतलब 4 इधर पड़ जाएगा, ठीक है, 4 स्थान दाएं चला जाए, ठीक है, ये यहाँ पे 4 स्थान पोजीशन पे आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे यदि आप वह दाएं से 7वें स्थान पे हैं। अब देखिए दाएं से ये 7वें स्थान पे बोल रहा है ना, तो दाएं से 7वें स्थान पे, तो ये हमारा 7th हो जाएगा, और यहाँ पे 6 ही तो बचेंगे ना, तो अब देखिए अब हम इसको ऐड कर लेंगे, कैसे क्या करेंगे देखते हैं। देखिए ये तो हमारा 7 हो ही गया, ठीक है, फिर प्लस कितने बीच में बैठे हैं, 3 हैं, और फिर ये 9 इधर हो गए, ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 19 स्टूडेंट हो जाएंगे, और ऑप्शन हमारा
ए सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और स्वप्न के बीच 14 विद्यार्थी हैं, ठीक है। पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल स्वप्न से नज़दीक है तो स्वप्न पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है? तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, कोऑपरेटिव बैंक पीओ 2005 में पूछा गया। देखते हैं, विद्यालय मतलब विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और स्वप्न के बीच 14 स्टूडेंट हैं। तो देखिए ये हो गए स्टूडेंट्स, रो हो गई, गोपाल और स्वप्न के बीच 14 स्टूडेंट, ये यहाँ पे गोपाल हो गया, ये स्वप्न हो गया, इसके बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 14 स्टूडेंट हैं, ठीक। पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पे हैं, पंक्ति से दाएं अंत से गोपाल जो है 24वें स्थान से हैं। तो अब देखिए ये जो गोपाल की पोजीशन है ये कितनी है? 24 है, ठीक, 24वें स्थान पे हैं। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल स्वप्न से नज़दीक है, अब स्वप्न से नज़दीक है इसके बारे में नहीं बताया है कि गोपाल जो है स्वप्न से नज़दीक है, इसके बारे में तो हमको बताया नहीं गया कि कितना नज़दीक है। तो स्वप्न पंक्ति के बाएं अंत से कितना दूर होगा? तो क्या इस क्वेश्चन का हम आंसर बता सकते हैं? वैसे तो इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बता सकते हैं, ये इसलिए हम बोले क्योंकि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया ना, यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल स्वप्न से नज़दीक है, नज़दीक तो बोल रहा है लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि कितना नज़दीक है, ठीक है, कि कितना नज़दीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है, आंकड़े अधूरे हैं। ओके, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और स्वप्न के बीच में 14 विद्यार्थी हैं। देखिए ये हो गया गोपाल, ये हो गया स्वप्न, ठीक, इसके बीच में कितने हैं? 14 स्टूडेंट हैं। फिर क्या बोला है? पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान से है, पंक्ति के दाएं अंत से ये मान लिया राइट एंड है, ठीक। ये गोपाल की पोजीशन कितनी है? गोपाल की पोजीशन है 24वीं, ठीक है। फिर क्या बोला? यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल स्वप्न से नज़दीक है, गोपाल जो है स्वप्न से नज़दीक है बाएं अंत से, ठीक है, तो स्वप्न पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है? अब देखिए यहाँ पे नज़दीक बोल दिया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया कितना नज़दीक है। अगर यहाँ पे पोजीशन डिटरमाइन होती कि हाँ हम ये गोपाल जो है स्वप्न से 5 स्थान नज़दीक है, 6 स्थान नज़दीक है, तब तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें दिया गया नज़दीक है, पोजीशन नहीं डिफाइन की गई है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी हो जाएगा, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंकड़े अधूरे हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं छोर से 14 है, ठीक है, नयन जो है दाएं छोर से 14 है, पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है, तो पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है? देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा दिया गया 25 बच्चों की एक पंक्ति में, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 25 हैं, ठीक, पंक्ति में दाएं छोर से 14 है, एक पंक्ति है नयन जो है इसमें दाएं छोर से 14 है, ये रो हो गई, 25 हो गई, नयन दाएं छोर से 14 है, ये हो गया नयन, 14 मतलब ये 13 पोजीशन इधर बचेगी और ये नयन 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा, पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा, तो अब देखिए ये हो गया अरुण, नयन के बाएं तीसरा मतलब अरुण और नयन के बीच में दो लोग होंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान क्या होगा? अब देखिए टोटल 25 स्टूडेंट हो गए हैं, अब हमको पता नहीं, तो यहाँ पे 14 और ये 3 कितने, तीसरा ही तो बोल रहा है, 14 और 3 ऐड कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा,
ओके, और 17 जो है ये 17, 25 से सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा, और एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है, अगर उन दोनों के बीच 4 व्यक्ति और हों तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। लेकिन क्या दिया गया, कंडीशन भी दी गई है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे ये एक लाइन, ये लाइन ना दी होती कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, तो इसके आंसर्स 2 हो सकते थे। ठीक है, ओवरलैपिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चंस जो हमारा दिया गया है देखते हैं। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है, श्याम का स्थान जो है एक पंक्ति में बाएं से 8वां, ये श्याम हो गया, ये 8वीं पोजीशन पे है। फिर क्या दिया गया है, तथा मोहन का स्थान दाएं छोर से 9वां है, ये मोहन हो गया, ये दाएं छोर से 9वां है, और इनके बीच में 4 व्यक्ति और हैं, ये 4 व्यक्ति इनके बीच में और हो गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग होंगे, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। किनको किनको ऐड कर देंगे, जो दिया गया है 8 + 9 + 4, तो जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां है, तो कुल कितने छात्र हैं। जैसा कि हमने फार्मूला बताया था, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू वही अप प्लस डाउन माइनस 1, सॉल्व कर देंगे 21 + 28 - 1, जब ऐड कर देंगे 21 और 28 49 हो जाएगा, एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15 है, तो उसका आगे से क्या स्थान होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आता है। जैसा कि दिया गया, मोहन का एक पंक्ति में पीछे से स्थान क्या है, मान लीजिए पीछे से स्थान 15 है, तो इसके पीछे कितने होंगे, मोहन के पीछे कितने टोटल होंगे 14 और भी होंगे। ठीक है, तो आगे से उसका स्थान क्या पूछ रहा है, आगे से हमको स्थान बताना है, ये हमको नहीं पता। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का आंसर CND होगा, कैसे होगा उसको भी हम बताएंगे कैसे CND होगा। देखिए, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स दिए होते और एक और पोजीशन हमको दी होती, टोटल स्टूडेंट्स प्लस पोजीशन अगर दी होती तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकते थे, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन दी गई है, वो भी पीछे से दे दी गई है पोजीशन, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होता कि मोहन का स्थान पीछे से 15 है और आगे से कोई भी पोजीशन दे दी गई होती, तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, या फिर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि टोटल स्टूडेंट्स जितने भी दिए गए हों और पीछे से 15वीं पोजीशन दी गई है, तो आगे से क्या पोजीशन हो सकती, तब हम उसी फार्मूले में वही टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 या फिर अप प्लस डाउन माइनस 1, इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, और आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, CND होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा, नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा है और उस पंक्ति में 12 लड़के हैं, तो उसका आगे से स्थान क्या होगा। देखिए, जैसा क्वेश्चन अभी पिछला वाला हमने बताया जिसका आंसर CND था, सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या दिया गया, इसमें 2 डाटे हमारे दिए गए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर भी आएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। जैसा दिया गया, नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा है, देखिए ये नीरज पीछे से तीसरा है, मतलब इसके पीछे, नीरज के पीछे 2 और स्टूडेंट होंगे और उस पंक्ति में 12 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक, तो हमको बताना है आगे से क्या स्थान है। देखिए, ये हम फिगर बनाएं ना बनाएं, अगर हमको फार्मूला याद हो तो हम उस फार्मूले में पुट कर दें, या फिर अगर हम ये फार्मूला हमको नहीं पता है तो ये हम लाइन ड्रॉ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
दिया गया, जैसे 12 दिया गया है, फिर क्या है पीछे से स्थान उसका तीसरा है, सॉरी गलत हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स हमारे दिए गए हैं ना, तो टोटल 12 हो जाएगा, पीछे से उसका स्थान तीसरा दिया गया है और आगे से हमको नहीं पता है, आगे से कुछ भी मान लें, ये ए मान लिया और माइनस का 1। तो अब देखिए 3 से 1 घटेंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना और 12। तो अब देखिए 12 जब ये हमारे 2 इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, आगे से नीरज का स्थान क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा, 10th पोजीशन हो जाएगी नीरज की आगे से। ओके, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पंक्ति में अगर श्याम के आगे 15 और पीछे 13 स्टूडेंट्स हैं तो कुल कितने लड़के हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ईजी है, जैसा दिया गया है टोटल स्टूडेंट्स हमको निकालने हैं, वही आगे प्लस पीछे, ए को हम आगे को ए मान रहे, पीछे को बी मान रहे, कुछ भी 15 प्लस 13 ऐड कर दें, 15 प्लस 13 माइनस का 1। तो अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे और माइनस 1, तो कितने बचेंगे, जब 28 से 1 घटा देंगे तो 27 स्टूडेंट बचेंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है, मतलब बाएं छोर से 20वां मोहन है और दाएं छोर से 12वां है, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो प्रताप का बाएं छोर से क्या स्थान होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आता है। जैसे देखिए दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है, मान लिया ये एक पंक्ति हो गई, ठीक है, और ये यहाँ पे मोहन आ गया कहीं पर, ये जो है बाएं छोर से 20वां है, कितना है बाएं छोर से 20वां है, तो इसके बाएं, इसके आगे कितने होंगे, 19 होंगे, ठीक है, और दाएं छोर से 12वां है, और ये जो है दाएं छोर से 12वां है। ठीक, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां, अब जो है इसी पंक्ति में प्रताप जो है दाएं छोर से कितना है, दाएं छोर से 15 है ना, ये दाएं छोर से 15 है, कहीं पर भी हो सकता है, सॉरी ये यहाँ पे आगे हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ, देखिए जैसा कि दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां, मोहन जो है बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है, दाएं छोर से 12वां, ठीक है, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां और प्रताप जो है दाएं छोर से 15वां, मतलब ये 12 पोजीशन हो गई, 13 14 15, तो ये हो गया प्रताप, ठीक है, ये 15 पोजीशन पे हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, तो प्रताप का बाएं छोर से क्या स्थान होगा, तो प्रताप का बाएं छोर से स्थान हमको पता करना है, तो देखते हैं कैसे। अब देखिए मोहन का हमको पोजीशन पता ही है, मोहन की पोजीशन कितनी है, 20 है, अब देखिए मोहन के आगे कितने हैं, 3 है ना, तो 20 से 3 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 17, और यही हमारी पोजीशन हो जाएगी, प्रताप की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ओके, कैसे, क्योंकि हमको मोहन के बारे में दिया गया था ना, और मोहन के आगे बैठा है, 3 प्लेस आगे बैठा है, मतलब मोहन के आगे तीसरे प्लेस पे बैठा है प्रताप, तो 20 दिया गया है, 20 से 3 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और 17वीं पोजीशन हो जाएगी। ओके, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, भरत दाएं सिरे से 12वां है तथा समीर के दाएं तीसरा है तथा समीर बाएं सिरे से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, डायरेक्शन दे दी गई कि उत्तर करके मुख, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं,
तो ये कोई ज़रूरी नहीं है उत्तर दक्षिण चाहे जो भी डायरेक्शन हो, बस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक पीओ 2008 में पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया एक पंक्ति में, मान लिया ये एक पंक्ति हो गई, जो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं जो भी लोग दिए गए, भरत दाएँ सिरे से घेर हुआ है, ये मान लिया भरत हो गया, कितना है घेर हुआ है, तो भरत के दाएँ कितने होंगे, 11 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ही तो बचेंगे, है ना, ये 10। ठीक है, फिर क्या दिया गया, तथा समीर के दाएं तीसरा है, मतलब जो भरत है, भरत तो बाएं, भरत जो है दाएं छोर से तो गेरुहा है, लेकिन समीर के दाएं तीसरा है, कि समीर के दाएं तीसरा है, तो समीर के दाएं ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा ही तो हो गया, बीच में दो आ जाएंगे। ओके, फिर क्या बोल रहा है, तथा समीर बाएं सिरे से 15 है, समीर जो है बाएं सिरे से 15 है, क्या दिया गया, यह बच्चों की एक पंक्ति में, ये पंक्ति हो गई, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, भरत दाएं सिरे से गेरुहा है, ये हो गया भरत, कितनी पोजीशन दी गई है, ये दी गई है 11, तो इधर बचेंगे 10। ठीक, फिर क्या दिया गया, तथा समीर के दाएं तीसरा है, समीर के दाएं ये तीसरा हो गया, ये यहाँ पे समीर हो गया, तथा समीर जो है बाएं सिरे से 15 है, समीर बाएं सिरे से 15 है। ठीक, तो ये यहाँ पे 14 ही तो बचेंगे, इधर साइड में समीर के लेफ्ट में 14 बचेंगे, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये हमको बताना है। देखते हैं कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो 15 हो गए, ये 15 हमने लिख दिया, समीर कितना है, 15 ही तो है, है ना, समीर 15 है, और ये दो हो गए, दो नहीं तीन हो गए। ठीक है, तो ये तीन हो गए, और फिर ये कितना है, 11 है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, इसको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा ना, एक बार फिर से बता रहे हैं, ये यहाँ पे समीर जो है 15 ही पोजीशन पे है। ठीक है, कितना है, 15 ही पोजीशन पे है। ठीक, और ये हमारे 3 हो जाएंगे, और फिर भरत जो है 11 ही पोजीशन पे दिया गया है, इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 21 ये होगा नहीं, वहाँ पर हमने एक फार्मूला बताया था, 1 और भी ऐड कर दिया जाता है, तो 29 प्लस 1 30 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, जब पूजा को दो स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो अब बाएं सिरे से शत्रु ही हो गई, पहले दाएं से उसकी क्या स्थिति, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 16 लड़कियों की एक पंक्ति, ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 16 स्टूडेंट दिए गए, फिर क्या है, जब पूजा को दो स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो वह बाएं सिरे से, मतलब यहाँ पे ये थी पहले पूजा, ठीक है, यहाँ पे ये थी पूजा, इसको हमको पोजीशन नहीं इसकी पता है, जब दो स्थान बाएं खिसकाई जाती है, ठीक है, तो कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जो पोजीशन थी तो ये बाएं छोर से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी ना, तो अब हमको बतानी क्या है, पहले दाएं से उसकी क्या स्थिति है, हमको पता क्या हुई है, 9 पोजीशन तो ये बाएं सिरे से हो गई, लेकिन बतानी है हमको दाएं सिरे से, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दिया गया 16 से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना, और जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी पोजीशन आती है उसमें प्लस का 1 कर देते हैं। ठीक है, तो 7 और प्लस 1 8 हो जाएगी, तो दाएं सिरे से पूजा का स्थान क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।